एक्सएमएल डॉम में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है रिमूव एट्रीब्यूट नोड बाय ऑब्जेक्ट्स ये क्या तरीकाकार है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं द रिमूव एट्रीब्यूट नोड मेथड रिमूव्स एन एट्रीब्यूट नोड तो बेसिकली जो रिमूव एट्रीब्यूट नोड है इनफैक्ट ये एट्रीब्यूट नोड को डिलीट करता है यूजिंग द नोड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर यानी आप उस पेरेंट नोड पे या इनफैक्ट uh, जैसे बुक बुक की एक एट्रीब्यूट है एक, कैटेगरी तो आप बुक पे रहते हुए बुक को रेफर करते हुए आप उसका एट्रीब्यूट नोट डिलीट कर सकते हैं तो इसके लिए भी हम डेमो अवेलेबल है और इसका जो मेथड है वो है रिमूव एट्रीब्यूट नोड और उसमें इनफैक्ट आपको नोड का नंबर पास करना होता है और यहाँ पर भी हमारे पास एक डेमो अवेलेबल है जिसका नाम है रिमूव एट्रीब्यूट बाय ऑब्जेक्ट डॉट एच इसको देखेंगे और इसमें अंडरस्टैंड करेंगे या इसमें एक्सपोजर लेंगे कि किस तरह से हम एक एग्जामल डॉक्यूमेंट के अंदर से एक एट्रीब्यूट को इस फंक्शन के थ्रू डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं आ, हम देख रहे हैं बुक्स. स्टॉट एग्जामल इसमें आ, जो हमारा रूट एलिमेंट है दैट इज़ बुक स्टोर तो बुक स्टोर कंटेन मल्टीपल बुक्स तो आप देख सकते हैं कि हम बुक स्टोर के टैग के अंदर मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट बुक के नाम से पड़े हुए हैं और ये जैसे मैं स्टार्टिंग बुक पे सेलेक्ट करता हूँ तो एंडिंग बुक उसकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है तो आप देख सकते हैं हर बुक में फर्दर डिटेल्स जो हैं वो सेग्रीगेट की गई हैं या उन्हें प्लेस किया गया है लाइक like हर बुक की एक कैटेगरी है और उसके आगे वैल्यू दी हुई है किस कैटेगरी की है और उसके बाद बुक की डिटेल्स में फर्दर उसके टाइटल ऑथर ईयर एंड प्राइस टाइटल में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज बताई गई है कि किस तरह की ये बुक है या किस लैंग्वेज की बुक है इनफैक्ट तो और उसका टाइटल नेम जैसे एवरी डे अटैलियन ऑथर ईयर और प्राइस में उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है अब इस फाइल को देखते हुए हम एच uh, फाइल पर चलते हैं रिमूव एट्रीब्यूट बाय ऑब्जेक्ट डॉट एच जिसमें हम इस फाइल को प्रोसेस करेंगे और एट्रब्यूट को डिलीट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये HTML फाइल हमारी स्टार्ट हो रही है ये डॉक्यूमेंट हमारा HTML डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर इसकी बॉडी है बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक आईडी दे दी है डेमो और ये एक स्क्रिप्ट है जब स्क्रिप्ट बेसिकली इसके अंदर लिखी है तो स्क्रिप्ट का टैग है यहाँ पर हम एक्सएमएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो इस रेफरेंस में असाइन कर रहे हैं इस कोड में हम जनरली चेक कर रहे हैं कि हमारा सर्वर जो है वो रिस्पॉ रिक्वेस्ट सुनने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है अवेलेबल है और उसके बाद अगर अवेलेबल है तो इस फंक्शन को कॉल कर दे और बुक्स एक्सएमएल को लोड करते दे अब इस फंक्शन में आकर आप जरा देखें तो एक वेरेबल हमने एक्सट्रिक्लियर किया एक वेरेबल आए एक ए डबल फिर ओल्ड अंडर स्कोर एट और टी एक्सएमएल डॉक जो है बेसिकली यहाँ जस्ट एकवेरेबल है लेकिन जब इसमें ये ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाती है तो इट मींस ये आपकी बुक्स डॉट एक्सएमएल का जो डॉम ट्री है उसको रेफ़र कर रहा है और उसके बाद ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग uh, है जो फ़िलहाल एम है और यहाँ पर हमने एक्सएमएल डॉक डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम बुक तो जितने भी बुक के टैग हैं वो सारे के सारे इनफैक्ट एक्स में आ आगे तो ये कलेक्शन आएगी तो आप देख सकते हैं बुक्स डॉट एक्सएमएल में चार बुक्स हैं तो चारों की चारों इस एक्स में आ गए अब हम कर रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ इस इट मीन्स ये जीरो से लेके लेस देन फोर लेस देन फोर का मतलब है थ्री तो ये चार दफा चलेगा इनफैक्ट और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम वायल एक्स आई डॉट एट्रीब्यूट डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब अगर उस ब, आ, यानी एलिमेंट के अं, अंदर एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और वो ज़ीरो से ज़्यादा यानी एक भी एट्रीब्यूट मौजूद है तो क्या करना है हमने ए डबल टी नोड में वो पहला एट्रीब्यूट रखना है और ओल्ड अंडरस्कोर स्कोर एटरीब्यूट एक्स आई डॉट रिम्यूव एट्रब्यूट नोड और ऐड नोड तो ये जो बेसिकली हम उस पेरेंट नोड पे रहते हुए या उस बुक की नोट पर रहते हुए हम एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे और उसे रख लेंगे ओल्ड ओल्ड एट्रीब्यूट में और उसके बाद टेक्स्ट जनरेट करेंगे रिमूव ओल्ड एट्रीब्यूट डॉट नोड नेम उसका नोड नेम प्रिंट हो जाए और उसके बाद उसकी नोड वैल्यू भी और ये इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे जब ये पूरा लूप चल चुकेगा तो इनफैक्ट सारी के सारे बुक्स के वो डिलीट हो चुके होंगे और डेमो इस करंट डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आपका आई डी डेमो लगा हुआ है उसके इनर रेशियो में ये टेक्सट फाइल ये टैक्स स्ट्रिंग जो है ये अपेंड हो चुका होगा तो इनफैक्ट हमने जब इस फाइल को ब्राउजर पे ओपन किया तो आप देख सकते हैं रिमूव्ड कैटेगरी कैटेगरी का टैग रिमूव हुआ है और उसमें वैल्यू जो पड़ी थी दैट इज कुकिंग दोबारा रिमूव कैटेगरी चिल्ड्रन कैटेगरी वेब कैटेगरी वेब एंड कवर पेपर बैग आप देख सकते हैं इस सिचुएशन uh, को कि यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप कर रहे हैं ओल्ड एट्रिब्यूट डॉट नोड नेम एंड नोड वैल्यू तो नोड नेम इनफैक्ट आ गया कैटेगरी 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 और ये कैटेगरी की वैल्यूज़ ठीक है उसके बाद ये कवर्स हम देख सकते हैं यहाँ पर जाके बुक्स डॉट एक्सएमएल में तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी कुकिंग कैटेगरी चिल्ड्रन कैटेगरी वेब कैटेगरी वेब एंड कवर पेपर बैग तो इनफैक्ट जो लास्ट लूप चला है उसमें आप ज़रा गौर कीजिए कि इस लूप ने इनर लूप ने तब तक चलना था जब तक कि एट्रीब्यूट्स uh, की लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो होती तो इसका मतलब लास्ट लूप जो चला है क्योंकि उसमें दो एट्रीब्यूट्स थे तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो था इनफैक्ट तो उसने वो दोनों डिलीट किए हैं तो दोनों डिलीट करने की वजह से चार में तो कैटेगरी आई है पांचवे में, में कवर भी आया और पेपर बैग भी आया तो इससे आपको बेसिकली ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम पूरी एग्जामल को प्रोसेस कर सकते हैं रन टाइम पर ये डाटा जो है ये अभी तो हम हार्ड कोड पिक कर रहे हैं लेकिन इनफैक्ट ये किसी दूसरे प्रोग्राम से भी डाटा आ सकता है ये इन्फॉर्मेशन रन टाइम पर भी दी जा सकती है और ये रन टाइम पर देने की वजह से आपकी एग्जामल जो है पूरे के पूरे आपके कंट्रोल में आप अभी आपने हाँ देखा रिमूव एटरीब्यूट नोट बाई ऑबजेक्ट डेमो इसमें सबसे पहले स्टेप पे आपने बुक स्टॉट एक्सएम को लोड किया मेमरी में उसके बाद गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम टू गेट ऑल बुक नोट्स तमाम की तमाम बुक नोट्स आपने एक वेरेबल एक्स में लोड कर ली थी फॉर ईच बुक चेक इफ देर आर एट्रीब्यूट फिर आपने हर बुक को प्रोसेस किया लूप के थ्रू के उसके अंदर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वाइल देर आर एट्रीब्यूट रिमूव द एटरीब्यूट अगर आपको एट्रीब्यूट्स मिल रहे थे तो फिर हम उन्हें एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते जा रहे थे और उन रिमूव करने के साथ साथ हम उन्हें डिस्प्ले करवा रहे थे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हम उन्हें अपेंड करवाते जा रहे थे और फाइनली हमने उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करवा दिया जिससे हमारी वेब पेज पे आउटपुट जनरेट हो गई तो इनफैक्ट आपने देखा कि किस तरह से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हुए एक्जल फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं ये एक्जमल इंफॉर्मेशन जो है या ये इंफॉर्मेशन जो है ये किसी इनपुट मेकनिज़म के ज़रिए भी ली जा सकती है किसी दूसरे प्रोग्राम से भी ली जा सकती है इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है कि अगर ये किसी दूसरे प्रोग्राम से या बकायदा इनपुट मेकनिज़म के ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा हो तो हम हम एक्सएमएल के ऊपर कितना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं थ्रू डाउन